बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जनरल हेडक्वार्टर GHQ जॉब्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिविलियन एम्प्लॉयज जो हैं उनकी कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं, जिसे पूरा पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हम पोजीशन के बारे में बात करेंगे, और नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। GHQ के अंदर जो पहली पोस्ट अनाउंस की गई है, वो असिस्टेंट BPS 15 की 23 पोस्ट है, जिसमें ग्रेजुएशन, टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट और कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद 6 वीक्स के अंदर 6 वीक्स का NITB से कोर्स, IT कोर्स करना जरूरी है। 18 से 33 साल एज लिमिट है, और इसमें मेरिट की 1, पंजाब की 11, सिंध अर्बन, सिंध रूरल की और KP के बलोचिस्तान की 2 2 सीट्स हैं। एक्सवाटा, GB और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 1 सीट है। स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट BPS 15 की 2 सीट्स हैं, और इस पर ग्रेजुएशन जो है वो रिक्वायर्ड है स्टेटिस्टिक और मैथमेटिक्स के अंदर। 18 से 30 साल एज लिमिट है, 2 सीट्स हैं, पंजाब और बलोचिस्तान की 1 1 सीट है। स्टेनोटाइपिस्ट BPS 14 की 23 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट 80/40 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड स्पीड। कंप्यूटर लिटरेट 18 से 30 साल एज लिमिट। 23 टोटल सीट्स हैं, मेरिट की 1, पंजाब की 11, सिंध अर्बन की 2, सिंध रूरल KPK की 3 3, बलूचिस्तान की 2 और एक्सपाटा की 1 सीट है। अपर डिवीजन क्लर्क BPS 13 की 22 सीट्स हैं। इंटरमीडिएट टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर लिटरेट 3 वीक्स का IT कोर्स NITB से प्रोबेशन पीरियड के अंदर। मेरिट की 1, पंजाब की 10, सिंध अर्बन की 2, KPK की 2, बलूचिस्तान की 2, सिंध रूरल की 3, एक्सपाटा और AJK की 1 1 सीट है। फोटोग्राफर BPS 13 की 2 सीट्स हैं। मैट्रिक 3 से 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और स्टूडियो वर्क का नॉलेज, और 18 से 35 साल एज लिमिट। मेरिट की 1 और पंजाब की 1 सीट है। टेक्नीशियन नेटवर्किंग डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और एक्स सर्विस मैन टेक्निकल आर्म्स का, और इसके साथ 5 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 18 से 30 साल की एज लिमिट है, 1 सीट है और ये मेरिट के ऊपर है। लाइब्रेरी असिस्टेंट BPS 12 की 1 सीट है। ग्रेजुएशन और इसके साथ लाइब्रेरी साइंसेस के सर्टिफिकेट, सिंध अर्बन का कोटा है। लोअर डिवीजन क्लर्क BPS 11 की 21 सीट्स है। मैट्रिक 30 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड। कंप्यूटर लिटरेट और 3 वीक्स का NITB से कोर्स। 21 सीट्स है, मेरिट की 1, पंजाब की 10, सिंध अर्बन, सिंध रूरल, बलोचिस्तान की 2 2, KPK की 3 और एक्सवाटा की 1। ड्राफ्टमैन BPS 11 की 2 सीट्स हैं। मेरिट के ऊपर एलोकेशन है। मैट्रिक और 3 इयर्स का डिप्लोमा जो है डी मैनशिप होना चाहिए, और उसके साथ अगर वो नहीं है तो 2 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। सुपरवाइजर ग्रेजुएशन और एक्स सर्विसमैन पंजाब का कोटा। एस्टिमेटर BPS 11 और FA इंटरमीडिएट कॉमर्स के अंदर, और एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंटिंग प्रेस का। मेरिट की 1 और पंजाब की 1 सीट है। कुक BPS 10 की 1 सीट है, पंजाब का कोटा है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। मिडल 5 साल का एक्सपीरियंस। एक क्लास आर्मी मेस के अंदर, 4/5 स्टार होटल के अंदर, और प्रेफरेंस जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल को दी जाएगी। ट्रांसलेटर BPS 10 की 1 सीट है। मेरिट के ऊपर एलोकेशन है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएशन और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट का होना जरूरी है। उसके साथ जो है वो टेक्नीशियन हाइड्रोलिक एक्सरे मशीन BPS 9 की 3 सीट्स हैं। पंजाब, सिंध अर्बन और बलोचिस्तान की 1 1 सीट है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। मैट्रिक हो, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड का। अगर वो नहीं है तो एक्स सर्विसमैन टेक्निकल आर्म का 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो रिपेयर, मेंटेनेंस, एक्सरे, बैगेज मशीन, हाइड्रोलिक सिस्टम और बैरियर रिलेटेड टू सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो है वो टेक्नीशियन BPS 9 की 1 पंजाब की सीट है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंसेज, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा रिटायर्ड आर्मी पर्सनल NCO JCO जो है वो 7 ईयर की रिटायरमेंट, सिग्नल जूनियर NCO कोर्स क्वालिफाइड और 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सिक्योरिटी सुपरवाइजर BPS 9 की 3 सीट्स हैं। मेरिट की 1 और पंजाब की 2। FFSC इक्विवेलेंट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आर सिक्योरिटी गार्ड, वो नहीं है तो मैट्रिक और एक्स सर्विसमैन 10 to 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। कैलीग्राफिस्ट BPS 7 की 3 सीट्स है, पंजाब की 2 और सिंध रूरल की 1। मैट्रिक इनफ नॉलेज जो है उर्दू एक्सपीरियंस कैलीग्राफी का होना जरूरी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आप
सबमिट कर सकते हैं, अवेलेबल है। उसके अलावा www.amdte.recruitment.gov.pk पे एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट को आपने गौर से पढ़ना है। अपडेट एडिट जो है वो आपने एप्लीकेशन को वन टाइम कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस आप वैलिड देंगे, मोबाइल नंबर अपना वैलिड देंगे, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड आपका होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है प्लेस ऑफ ड्यूटी इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर है। क्लोजिंग डेट के बाद एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। विद इन 5 साल की आर्मी सर्विस मैन को 15 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा जो है CNIC क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजन एंड डोमिसाइल जो है आपने जो है वो करेक्टली फिल करना है। रिटन टेस्ट जो है इंटरव्यू रावलपिंडी, लाहौर, कराची और क्वेटा के अंदर होगा। लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर 2023 है। उसके बाद कोई एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। TET एडमिसिबल नहीं है और टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। और आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है फिर आपको बताते चलेंगे www.amdte.recruitment.gov.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वी वेलकम सून इंशाल्लाह मोर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अस। थैंक यू।